शाम का वक्त, हवेली में रात के खाने की तैयारी चल रही थी। सोना, नीलिमा, पायल और शिवी किचन में चिट चैट करते हुए खाना प्रिपेयर कर रहे थे। तभी पीहू दंदनाते हुए घर में आई। उसने जोर से आवाज दी, ब्राउनी देखो मम्मा आ गई, इधर आओ। ब्राउनी ने ये सुना और उसके पास आ गया। घर के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर बाहर निकल गए। नीलिमा ने कहा, पीहू बेटा तुम इस वक्त यहाँ? लेकिन पीहू ने ब्राउनी को गोद में उठाया और सबको इग्नोर करके शिवी के कमरे में चली गई। शिवी ने उसे देखा और उसके पीछे भागी। नीलिमा ने सोना को देखा तो सोना ने अपना सर नहीं में हिलाया। पीहू कमरे में आकर जल्दी जल्दी अपना सामान बैग में पैक करने लगी। शिवी जल्दी से आकर उसे पीछे से हक कर लेती है। उसने कहा, तुम आ गई, दीप अब कैसा है पीहू? पीहू सामान पैक करते हुए बोली, तुझे उनकी इतनी ही फिक्र है तो हॉस्पिटल क्यों नहीं चली जाती उन्हें देखने के लिए? ये सब मुझसे क्यों पूछ रही है? शिवी ने कहा, वो मैं। पीहू ने उसे गुस्से से घूरा और कहा, अब हम दोनों की दोस्ती खत्म शिवी, आज के बाद मैं तुझे कभी नहीं मिलूंगी और ना ही भाई तुमसे मिलेंगे। पीहू की बात सुनकर शिवी का दिल धक सा हो गया। उसने कंफ्यूज होकर कहा, तू ऐसा क्यों कह रही है पीहू? मैं? शिवी के सवाल पर पीहू अपने हाथ में रखे सामान को बेड पर फेंकते हुए बोली, ये तू मुझसे पूछ रही है? याद नहीं है तुम्हें? तुम मुझे और भाई को हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर घर पर आराम से पड़ी हो। तुझे एक बार भी नहीं लगा कि मुझे वहाँ तुम्हारी जरूरत हो सकती थी? तूने एक बार भी भाई का हालचाल जानने की कोशिश नहीं की? ये सुनकर शिवी ने अपना सर झुका लिया। पीहू ने उसे ऐसे देखा तो आह भरते हुए बोली, खैर जाने दो, तुमसे मैं उम्मीद ही क्या कर सकती हूँ। तुम चाहती थी ना कि भाई किसी और के साथ खुश रहे, तो तुम्हें जानकर खुशी होगी कि भाई की शादी कल शाम को है। उसके बाद भाई और मैं हमेशा के लिए शहर को छोड़कर जा रहे हैं। शिवी ने ये सुना और हैरानी से उसे देखने लगी और शिवी बोली, शादी? पीहू ने कहा, हाँ शादी, अब मैं चलती हूँ, मुझसे तुम्हारी ये शक्ल बर्दाश्त नहीं हो रही। ये कहकर उसने नौकर को अपना सामान उठाने के लिए कहा और ब्राउनी को लेकर कमरे से बाहर चली गई। उसने सोना को देखा और आंख मार दी तो सोना हल्का सा मुस्कुराई। पीहू जाने लगी तो ब्राउनी उसकी गोद से कूदकर सोना के पास आ गया। सोना ने कहा, आई थिंक ये यहाँ से जाना नहीं चाहता। पीहू ने ब्राउनी को आवाज दिया लेकिन शायद उसे अपनी नई मॉम ज्यादा पसंद आ गई थी। पीहू ने कहा, ठीक है आप इसे रख सकती हैं, प्लीज इसका ख्याल रखना। सोना ने हाँ में सर हिलाया। पीहू ने सबको एक नजर देखा और वहाँ से चली गई। इधर शिवी अपनी आंखों में आंसू लेकर जमीन को घूर रही थी। दीप की शादी का सुनकर ही शिवी का माइंड ब्लैंक हो गया था, वो कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। सोना, नीलिमा और पायल उसे दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। सोना शिवी के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, शिवी आर यू ओके? शिवी ने उसकी आवाज सुनी और पलट कर उसके गले लग गई। सोना ने उसकी पीठ को सहलाया। उसे शिवी के लिए बुरा लग रहा था लेकिन उसके अंदर के इमोशन को बाहर लाने के लिए ये करना जरूरी था। अंश दरवाजे पर खड़े होकर उन दोनों को देख रहा था। उसके चेहरे को देखकर कोई बता नहीं सकता था आखिर वो सोच क्या रहा था। रात 10 बजे सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अंश स्टडी रूम में था और सोना शिवी को खाना खिलाकर दवाई देने के बाद कमरे से बाहर आ गई। वो किचन में आकर फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर जैसे ही मुड़ी उसके पीछे खड़े सम्राट से टकरा गई। अचानक से उसके ऐसे सामने आने से वो थोड़ी घबरा गई। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और खुद को शांत करते हुए बोली, आप? सम्राट ने कुछ पल उसे घूरा फिर उसे घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। सोना उसे अपने पास आते देख उसके पकड़ बोतल पर कस गई और वो पीछे हटने लगी जिससे जल्द ही उसकी पीठ फ्रिज को छू गई। सम्राट ने उसके चेहरे पर आ रहे घबराहट के भाव को देखा और उसके कंधे की तरफ हाथ बढ़ाया। सोना ने कहा, आप ये? वो ये कह ही रही थी कि सम्राट ने उसे कंधे से पकड़कर फ्रिज से साइड किया और पानी की बोतल निकालकर उसे घूरते हुए वहाँ से चला गया। सोना ने हैरानी से उसे देखा। उसे लगता था ये सम्राट तो अंश से भी बड़ा पागल था, जब देखो तब उसे डराता रहता था। उसने खुद को शांत किया और किचन से बाहर आ गई। उसके पीछे पीछे ब्राउनी भी आ गया। सोना ने देखा अंश कमरे में नहीं था। उसने बोतल टेबल पर रखी और बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद अंश स्टडी रूम से बाहर आया तो सोना को बेड पर आराम से सोता देख उसे घूरता रहा। सोना ने व्हाइट कलर की सिल्क नाइट ड्रेस पहनी थी जिसमें वो बहुत सेडक्टिव वाइब दे रही थी। उसे देखते हुए अंश का गला सूखने लगा। पता नहीं ये लड़की उसके दिलो दिमाग के साथ कैसा खेल खेल रही थी। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सोना के गले पर उस कट के निशान पर पड़ी और वो किसी सोच में चला गया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभर आया।
19 साल का अंश सड़क के बीचों बीच बैठा था। उसके आसपास आग की लपटें थी और उसके पीछे एक बस चल रही थी। वहाँ पर लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी और अंश उनके बीच शांत सा उस छोटी सी लड़की को देख रहा था जो उसकी गोद में लहूलुहान अधमरी हालत में पड़ी थी। खून की वजह से उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। उसके गले के पास कांच का टुकड़ा घुस गया था और अंश समझ नहीं पा रहा था उसे निकालना चाहिए या नहीं। फाइनली उसने फैसला किया और अपने कांपते हाथ से कांच को पकड़कर उसके गले से खींच लिया। उसके साथ ही उस लड़की के गले से खून बहने लगा। उस लड़की के गले से बह रही खून को देखकर अंश का सर चकरा गया और उसकी आंखें बंद हो गईं। उसके मुंह से हल्की आवाज में एक नाम बाहर आया, पिया। वर्तमान में अंश ने जल्दी से अपनी आंखें खोली। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने एक नजर सोना को देखा और वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया और सोना के बगल में लेट गया। उसने सोना की कमर में अपना हाथ लपेट लिया और उसे अपने पास खींच लिया। सोना नींद में कसमसाते हुए अंश की बाहों में सिमट गई। उसका चेहरा अंश के सीने पर था और वो उसे एकटक देखने लगा। उसने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे किया और उसे फिर देखने लगा। नींद में ही सोना का मुंह हल्का सा खुला था। उसे देखते हुए अंश से जब कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने उसके लिप्स को चूम लिया। उसे कुछ पल पहले जो बेचैनी उस निशान को देखते हुए महसूस हो रही थी, अब सोना के उसकी बाहों में होने से वो शांत हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग अंश वॉशरूम से बाहर आया। उसने देखा उसकी ब्यूटीफुल वाइफ मिरर के सामने खड़ी होकर अपनी साड़ी ठीक कर रही थी। अंश उसे देखते हुए उसके पास आया और उसे पीछे से हग कर लिया। सोना उसके सडन टच से चौंक गई। अंश ने उसे अनकंफर्टेबल होते देखा तो उसके गले पर अपनी नाक रगड़ते हुए धीरे से बोला, रिलैक्स बीवी, इट्स मी योर हस्बैंड। उसके इस एक्शन से सोना के गूज बम्स आने लगे और उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने कहा, मिस्टर रायजादा। अंश ने उसके एडिक्टिव फ्रेग्रेंस को स्मेल किया और उसे अपने अंदर एक नई सेंसेशन फील हुई। उसने सेडक्टिवली कहा, यू आर मेकिंग मी क्रेजी फॉर यू डे बाय डे बीवी। सोना ने उसकी अजीब बातें सुनी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अंश ने उसे ऐसे देखा तो उसे अपनी तरफ पलटा और उसकी कमर में अपने हाथ लपेट लिए। सोना के हाथ अंश के सीने पर थे। तब जाकर उसे रियलाइज हुआ अंश ने शर्ट नहीं पहन रखी है। ये एहसास होते ही सोना की सांसें तेज हो गई। अंश ने अपनी कमर पर सिर्फ एक टॉवल लपेट रखा था। उसके बाल गीले थे और पानी की बूंदे अंश के कंधे पर टपक कर उसके फ्लॉलेस बॉडी पर फिसल रही थी। सोना ने धीरे से आंखें खोली और उसको पता नहीं चला कब वो उसे अपनी पलके झपकाए बिना देखने लगी। अंश ने उसका ऐसा रिएक्शन देखा तो उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने सोना की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसे खुद से चिपका लिया। वो दोनों इतने पास थे कि उनके बीच से हवा के गुजरने के लिए भी जगह नहीं थी। सोना ने ये देखा और इधर उधर देखने लगी। उसने कहा, लीव मी मिस्टर रायजादा। अंश ने सीधा सा जवाब दिया, नो। सोना ने उसे अपना सर उठाकर देखा और उसकी आंखों में अजीब से भाव देखकर घबरा गई। वो पूरी कोशिश कर रही थी अंश को ना देखने की। अंश ने उसे ऐसे देखा तो उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। उसके होठों की गर्माहट पाकर सोना की आंखें अपने आप ही बंद हो गईं। अंश ने उसकी बंद पलकों को चूमा और उसकी नजर सोना के गाल पर एक छोटे से तिल पर ठहर गई। उसने अपने होठों से उसे छुआ जिससे सोना की आंखें खुल गईं। उसने अंश को धक्का देने की कोशिश की लेकिन अंश अपनी जगह से नहीं हिला। कुछ देर बाद वो सोना से दूर हुआ और उसके बीट रूट के जैसे लाल हुए चेहरे को देखने लगा। सोना के लिप्स बुरी तरह से कांप रहे थे। उन्हें देखते हुए अंश अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। वो उन्हें टेस्ट करना चाहता था। सोना ने उसे देखा और वो समझ गई अंश क्या सोच रहा था। वो जाने लगी तो अंश ने उसका हाथ पकड़ लिया। सोना को अचानक से अपने पेट में तितलियां उड़ती हुई महसूस हुई। अंश ने उसे अपने पास खींचा और उसके होठों को चूमने जा रहा था कि दरवाजे से शौर्य अंदर आते हुए बोला, मैंने शादी की सारी तय। वो ये कहते कहते रुक गया और अपने सामने का नजारा देखकर अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। वो बोला, आई एम सॉरी, बैड टाइमिंग, यू गाइस प्लीज कंटिन्यू। ये कहकर वो चला गया। सोना अपना सर झुकाए खड़ी थी और अंश अपने मूड का कबाड़ा होने के बाद फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने सोना को देखा और कबर्ड से कपड़े निकाल कर पहन लिया। कुछ देर बाद तैयार होकर वो नीचे आ गया। सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठे थे। अंश भी अपनी जगह पर बैठ गया। उसने शौर्या को देखा जो उसे आंखें मटकाते हुए देख रहा था। अंश का मन हुआ वो अपने खाने की प्लेट उसके सर पर दे मारे। सोना ने भी उसके हाव भाव देखे और उसे लगा
जैसे वो अभी इस टेबल के नीचे छिप जाए। सब आराम से नाश्ता कर रहे थे कि सोना की नजर शिवी पर पड़ी, जो पानी की बोतल लेकर किचन की तरफ जा रही थी। उसने रेहान को उसे देखने का इशारा किया। रेहान ने भी शिवी को जाते हुए देखा और तेज आवाज में बोला, वैसे गाइस, आप सब आज दीप भाई की शादी में चल रहे हैं ना? ये सुनकर शिवी के कदम रुक गए और शक्ति ने घूर कर रेहान को देखा। उसे अंदाजा हो गया था ये सब उनकी मिली भगत है शिवी को दीप के पास भेजने के लिए। अंश ने कहा, करो जो करना है, मैं तुम लोगों की इस बकवास गेम में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। ये सुनकर सोना ने उसके पैर पर मारा और धीरे से बोली, आप थोड़ा धीरे नहीं बोल सकते, वो सुन लेगी। अंश ने उसे घूर कर देखा और दांत पीसने लगा। क्या सोना का ये प्लान कामयाब होगा? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सोना और रेहान की बात सुनकर शक्ति सिंह अंदर से आग बबूला हो रहे थे। खाने की चम्मच पर उनकी पकड़ कस गई थी। उनका गुस्सा किसी ने नोटिस नहीं किया, क्योंकि सब शिवी को सुनाने के लिए दीप की शादी के बारे में बात कर रहे थे। कुछ देर बाद सबने नाश्ता किया। अंश जैसे ही चेयर से उठा, उसका फोन बजने लगा। उसने फोन रिसीव करते हुए कहा, हाँ कृष, बोलो। आज शाम को, कहते हुए उसने सोना को देखा, जो उसे सर हिलाकर कहीं भी जाने के लिए मना कर रही थी। अंश ने उसे इग्नोर किया और कृष से बोला, ओके, शाम को ही हम बैंगलोर जा रहे हैं। सोना ने अपने सर पर मारा। अंश बात करते हुए कमरे में चला गया। सोना, शौर्य और रेहान ने एक दूसरे को देखा और कुछ इशारा करके चुपचाप नाश्ता करने लगे। इधर शक्ति सिंह आग बबूला होकर कमरे में आ गया। उसने कमरे की चीजें तहस नहस करना शुरू कर दिया। वो इतने गुस्से में था कि ये भूल गए कि वो इस वक्त अपने ही घर पर थे। उसने गुस्से से कहा, सबका दिमाग खराब हो गया है, मुझे ही कुछ करना होगा। अंश भी स्टडी रूम में था। सोना कमरे में आई और सीधा वॉशरूम में चली गई। तभी पायल उसके कमरे का दरवाजा नॉक करते हुए बोली, सोना, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वो कमरे में आ गई। उसने कमरे में चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई। अभी वो देख ही रही थी कि अंश स्टडी से बाहर आया। उसने पायल को कमरे में पाया तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसे पसंद नहीं था पायल उसके कमरे में कभी भी मुंह उठाकर आ जाए। इसके पीछे एक बड़ी वजह थी, जिसके बारे में सिर्फ अंश ही जानता था। अंश को पायल ने खुद को ऐसे घूरते देखा तो हंसते हुए बोली, वो मैं सोना से कहने आई थी कि वो कुणाल को स्कूल छोड़ दे, आज मेरी फ्रेंड्स घर आ रही है ना, इसलिए। अंश ने उसी तरह कहा, नहीं, मेरी बीवी कहीं नहीं जा रही, आपको उसे ड्राइवर के साथ भेजना चाहिए, अब वो 10 साल का हो चुका है। तब तक सोना भी वॉशरूम से बाहर आ गई। उसने अंश की बात आधी सुनी और कंफ्यूज होकर उन दोनों को देखने लगी। अंश की बात सुनकर पायल को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, इट्स ओके अंश, तुम्हें इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अभी कुणाल यहाँ नया है इसलिए उसे ज्यादा कुछ नहीं पता, मैं बस पूछने आई थी कि सोना उसे छोड़ने जा सकती है या नहीं। अंश ने उसी लहजे में कहा, अब जवाब मिल गया आपको, अब जाइए यहाँ से। पायल ने सोना को देखा और वहाँ से चली गई। सोना ने अंश को देखा। उसने कहा, आपको उनसे इतना रूड बिहेव करने की क्या जरूरत थी, हम चले जाते ना। अंश ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, वो अपना काम खुद कर सकती है। ये कहने के बाद अंश कबर्ड से एक फाइल निकाल कर स्टडी में चला गया। सोना ने मुंह बनाकर उसे देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था अंश के इस तरह के बिहेवियर का रीजन क्या था। जब देखो तब उखड़ा हुआ रहता था। वो कुछ सोचते हुए पूल के साइड में आकर नीचे की तरफ देखने लगी। तभी एक कार गेट से अंदर आई। वो शिवा की कार थी। कार का गेट खुला और शिवा उससे बाहर आया। शिवा की उम्र 59 साल की थी, लेकिन उन्होंने खुद को ऐसे मेंटेन करके रखा था कि कोई भी उसे देखकर कह नहीं सकता था कि उसके 29 साल और 32 साल के दो बेटे हैं। अगर अंश और सम्राट उसके पास खड़े हो जाए तो वे तीनों दोस्त की तरह लगते थे। सोना उसे देख ही रही थी कि अचानक से शिवा 2 कदम चलते ही धड़ाम से जमीन पर गिर गए। उसे गिरता देख आसपास काम कर रहे नौकर उसके पास जमा हो गए। सोना भी ये देखकर भागकर नीचे आ गई। तब तक कुछ नौकर शिवा को उठाकर लिविंग रूम में ले आए। उन्होंने शिवा को सोफे पर बैठाया। शिवा का चेहरा पूरा लाल था। सोना उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, पापा जी आप ठीक हैं? ये कहकर उसने शिवा की पल्स चेक किया। शिवा अपने सीने पर हाथ से रगड़ते हुए बोला, हाँ बेटा, पता नहीं कुछ दिनों से सीने में बहुत दर्द रहता है और थोड़ा सर घूमने लगता है। सोना उसकी आंखों को चेक करते हुए बोली, ओह, क्या आपको हार्ट प्रॉब्लम है? क्या आप किसी तरह की दवाई लेते हैं? बीपी और शुगर? शिवा ने नहीं में सर हिलाया। सोना ने कहा, हमें लगता है आपको हॉस्पिटल एक बार जाना चाहिए, ये हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपका बीपी बहुत ज्यादा है। तब तक एक मेड पानी का ग्लास लेकर उनके पास आई। सोना ने ग्लास लिया और शिवा को पानी पिलाने लगी।
कुछ देर वहीं बैठे रहने के बाद शिवा कुछ अच्छा महसूस करने लगे। तब तक शिवी और नीलिमा भी कमरे से बाहर आ गई थी। नीलिमा ने पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? शिवा आप ठीक है? आपको क्या हुआ? मेड ने बताया आप गिर गए थे। सोना कुछ कहती शिवा ने नहीं में सिर हिलाकर चुप रहने के लिए कहा। नीलिमा शिवा के पास आकर बैठ गई। सोना ने कहा, माँ पापा जी को डिहाइड्रेशन है इसलिए इन्हें चक्कर आ गया, और कोई बात नहीं है। नीलिमा शिवा को डांटने के लहजे में बोली, कैसे करते हैं आप शिवा, छोटे बच्चे हैं क्या? आप अपना ध्यान रखना कब सीखेंगे? शिवा ने कहा, अरे भाग्यवान आप मेरी फिक्र करना बंद कर दो, मैं ठीक हूँ। आप बच्चों के सामने मुझे ऐसे डांट कैसे सकती हैं? नीलिमा ने मुंह बनाकर उसे देखा और कहा, चलिए कमरे में चलकर आराम कीजिए, मैं मेड को सूप बनाने के लिए कहती हूँ। शिवा ने हाँ में सर हिलाया और साइड से उठकर सोना के पास आ गई। उन्होंने सोना के सर पर हाथ रखा और कहा, थैंक यू बेटा। सोना हल्का सा मुस्कुराई। नीलिमा शिवा को लेकर चली गई। सोना उन्हें मुस्कुराते हुए जाते देखने लगी। तभी उसकी नजर ऊपर रेलिंग के पास खड़े अंश पर पड़ी, जो उसे देख रहा था। उससे नजरें मिलते ही सोना झेप गई। उसने अपने चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे किया और किचन में चली गई। शाम का वक्त, दीप का घर। दीप शेरवानी पहनकर तैयार था। उसने गहरी सांस ली और मिरर में खुद को देखने लगा। उसने कहा, पीहू अगर वो नहीं आई तो? पीहू उसके बाल ठीक करते हुए बोली, थिंक पॉजिटिव भाई, मुझे सोना भाभी पर यकीन है, वो शिवी को जरूर लेकर आएंगी। देखना कल जब मैंने उसे आपकी शादी के बारे में बताया तो वो बहुत परेशान हो गई थी। कहते हुए पीहू शिवी के लिए परेशान हो गई। दीप ने उसे ऐसे देखा तो उसे अपने गले से लगा लिया। रायजादा हवेली। अंश बैंगलोर जाने के लिए तैयार था। सोना उसे दरवाजे पर खड़ी होकर देख रही थी। उसने अपने लिप्स को बाइट कर लिया और कुछ सोचते हुए अंश के पीछे आकर खड़ी हो गई। अंश ने उसे एक नजर देखा और अपने स्लीव के बटन लगाते हुए बोला, तुम कुछ कहना चाहती हो? सोना ने हैरानी से उसे देखा और कहा, आपको कैसे पता? अंश ने कहा, मुझे सब पता होता है तुम कब क्या करती हो और क्या सोचती हो। सोना ने कहा, तो फिर आपका जाना जरूरी है क्या? आप कल नहीं जा सकते? अंश उसे आंखें छोटी करके देखते हुए बोला, मैंने पहले ही कहा है कि मुझे तुम्हारे बकवास गेम में शामिल होने का कोई शौक नहीं है। ये कहकर वो अपना ओवर कोट उठाकर जाने लगा तो सोना ने कहा, आपको अपनी बहन की कोई परवाह है भी या नहीं? ये सुनकर अंश के कदम रुक गए। वो सोना के पास आया और उसे देखते हुए बोला, मुझे उसकी परवाह है या नहीं मुझे ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम बस इतना जान लो कि मैं कुछ भी देख सकता हूँ, उसे तकलीफ में कभी नहीं देख सकता। अगर आज तुम्हारा ये स्टूपिड गेम सक्सेसफुल नहीं भी रहा तो मेरे पास और भी कई रास्ते हैं उसे और दीप को साथ लाने के, समझी तुम? ये कहकर अंश सोना की आंखों में देखने लगा। सोना उसकी आंखें देखकर एक पल के लिए घबरा गई। उसने हाँ में सर हिलाया। अंश ने एक नजर उसे देखा और कमरे से बाहर चला गया। सोना ने खुद को नॉर्मल किया और अपने प्लान के अनुसार कुछ कपड़े लेकर शिवी के कमरे में आ गई। उसने शिवी को देखा जो नम आंखों से खिड़की के बाहर देख रही थी। सोना उसके पास आते हुए बोली, शिवी देखो तो हम दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या पहने क्या नहीं, तुम बताओ इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा है? शिवी ने उसे कंफ्यूज होकर देखा। सोना ने उसका ऐसा रिएक्शन देखा तो बोली, क्या डोंट टेल मी तुम भूल गई हो आज क्या है? आज दीप की शादी है बुद्धू, सब जा चुके हैं, बस हम दोनों ही बचे हैं। एक बार फिर से दीप की शादी के बारे में सुनकर शिवी का दिल दर्द करने लगा। उसने अपना सर झुका लिया और कहा, आप जो भी पहने भाभी आप हमेशा अच्छी ही लगती हैं। सोना उसके पास बैठते हुए बोली, ये हमारे लिए नहीं तुम्हारे लिए है, तुम भी तो चल रही हो शादी में। शिवी ने सुना और फिर से उदास हो गई और बोली, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी भाभी, दीप खुश रहे मैं बस यही चाहती हूँ। सोना ने आह भरी और उसके हाथ को पकड़ते हुए सॉफ्टली बोली, नहीं शिवी वो तुम्हारे बिना खुश नहीं रहेगा। तुम जानती हो हम जब कल हॉस्पिटल उससे मिलने गए थे तो उसने सबसे पहले सवाल तुम्हारे बारे में किया, उसे खुद से ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। अगर तुमने अब और खुद को रोका तो वो तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा और तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हमेशा तुमसे नफरत करेगी, क्या तुम यही चाहती हो? शिवी ने ये सुना और वो रोते हुए नहीं में सर हिलाने लगी। सोना मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तो फिर चलो हमारे साथ, हम मिलकर दीप को शादी करने से रोकते हैं, वो ऐसे कैसे किसी और से शादी कर सकता है। शिवी ने नहीं में सर हिलाया। तब तक सोना उसे खींच कर कमरे से बाहर ले जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही उसके कदम अपनी जगह पर ठहर गए क्योंकि उसके सामने दरवाजे पर शक्ति सिंह अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ मोड़ कर खड़े थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वे सोना और शिवी को ऐसे देख रहे थे जैसे अभी उन्हें कच्चा चबा जाने वाले हों।
श्रीवी ने उन्हें अपने सामने देखा और फिर से कांपने लगी। सोना ने ये महसूस किया और पीछे मुड़कर उसे देखने लगी। श्रीवी अपना सर झुकाए खड़ी उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। सोना ने शक्ति सिंह को देखा और कहा, वो हम ताऊजी श्रीवी को हम। शक्ति सिंह ने अपना हाथ दिखाया और उसे कुछ भी कहने से रोक दिया और श्रीवी के सामने आकर खड़े हो गए। उसने श्रीवी को कुछ देर देखा और फिर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, जाओ दीप तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। शक्ति सिंह की बात सुनकर श्रीवी हैरान होकर उसे देखने लगी। शक्ति सिंह उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। सोना ने ये सुना और खुश होते हुए बोली, थैंक यू ताऊजी, और वो श्रीवी को खींचते हुए बाहर ले गई। उनके जाने के बाद शक्ति सिंह का चेहरा कठोर हो गया। उसने किसी को फोन मिलाया और कहा, वो आ रही है, उसकी ऐसी हालत करना कि दीप तो क्या किसी को भी अपना मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। इधर सोना और शिवी कार में दीप के घर की तरफ जा रहे थे, उनके साथ गार्ड्स भी थे। शिवी शक्ति सिंह के उसे इतनी आसानी से जाने देने से थोड़ी हैरान थी, लेकिन साथ में खुश भी थी कि वो आज आखिरी बार दीप को देखने जा रही थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वो दीप को आगे बढ़ने से नहीं रोकेगी। अभी वे जा ही रहे थे कि तभी ड्राइवर ने कार रोक दी। सोना ने कहा, क्या हुआ, आप रोक क्यों गए? ड्राइवर ने कहा, मैम आगे रास्ता बंद है, लगता है एक्सीडेंट हो गया है। गार्ड्स कार से बाहर पहरा देने लगे। तभी सड़क से कुछ दूर कुछ ब्लैक कपड़े पहने लोगों ने उनके ऊपर निशाना लगाया और गार्ड्स कुछ समझ पाते उन्हें गोली आकर लगी। वे दोनों कुछ समझ पाती किसी ने कार ग्लास तोड़ा और गेट खोलकर शिवी और सोना को बाहर खींच कर निकाल लिया। कौन है ये लोग, अब क्या होगा, आगे जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रात 8 बजे दीप के घर के सामने बड़े से गार्डन में मंडप सजा था, जहां पर दीप, पीहू, रिहान, शौर्य, नीलिमा, पायल, शिवा और दीप की दुल्हन यानी फेक ब्राइड और कुछ खास लोग सोना और शिवी का इंतजार कर रहे थे। दुल्हन के हाथ में वरमाला थी और दीप मंडप के पास ही सोफे पर बैठा था। उसने कहा, वो दोनों कहाँ हैं? अभी तक आई क्यों नहीं? शिवा ने कहा, हाँ उन्हें घर से निकले तो 1 घंटे से ज्यादा हो गया, मैं ड्राइवर को फोन करता हूँ। ये कहकर वो ड्राइवर को कॉल मिलाने लगे, लेकिन ड्राइवर फोन पिक नहीं कर रहा था। शिवा ने अपना सर हिलाते हुए कहा, ड्राइवर फोन पिक नहीं कर रहा, लगता है वो ड्राइव कर रहा है, हमें कुछ देर वेट करना चाहिए। लेकिन दीप को लग रहा था कुछ तो होने वाला था। वो बहुत बेचैनी से अपने पैर जमीन पर टक टक की आवाज के साथ हिला रहा था। उसके अंदर अजीब सा डर बैठ गया था और वो अपने आप ही परेशान हो रहा था। फाइनली जब उसे इंतजार नहीं हुआ तो वो सोफे से खड़ा हुआ और स्टेज से नीचे जाने लगा, लेकिन अचानक से उठने से उसके पैर में तेज दर्द हुआ और वो नीचे बैठ गया। शौर्य ने उसे गिरते हुए देखा तो उसके पास आ गया। दीप तुम ठीक हो? तुम इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे थे? दीप ने परेशान होते हुए कहा। शौर्य मुझे लगता है शिवी किसी मुसीबत में है, प्लीज तुम जाकर देखो वो कहाँ रह गई है, मुझे डर लग रहा है। शौर्य ने उसे उठाकर वापस से सोफे पर बैठाया और कहा, हाँ मैं जाकर देखता हूँ, तुम शांत हो जाओ। दीप ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी ने अपनी जगह बना ली थी। एक बड़े से पुराने गोदाम में बेहोश सोना को होश आया। उसने अपने सर को पकड़ लिया और उठकर बैठ गई। उसने आसपास देखा और उसे अचानक से शिवी का ख्याल आया। उसने अपना सर घुमाकर देखा, एक कोने में शिवी खुद को गले लगाए बैठी थी। उसे देखकर सोना का दिल धक्सा हो गया। उसकी हालत ऐसी थी कि सोना के शरीर का सारा खून जम गया। शिवी के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था और वो बुरी तरह से कांप रही थी। सोना खड़ी हुई और धीमे कदमों से उसके पास आ गई। उसने अपना कांपता हाथ शिवी की तरफ बढ़ाया और उसके कंधे को छूते हुए बोली, शिवी। शिवी ने सोना की आवाज सुनी और अपना सर ऊपर करके उसे देखा। उसके देखते ही शिवी जोर से चीखी, भाभी। सोना ने उसे गले से लगा लिया। शिवी को इस तरह देखकर सोना को समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ क्या हुआ था। शिवी सोना के गले लगकर बुरी तरह से चीख चीख कर रोने लगी। उसकी चीखें सुनकर सोना का दिल दहल रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और शिवी के कपड़े ढूंढने लगी, लेकिन वहां आसपास में उसे कुछ भी नजर नहीं आया। उसने जल्दी से अपनी साड़ी अपने ऊपर से अलग की और शिवी को उसमें कवर कर दिया। तभी एक तेज रोशनी गोदाम पर पड़ी और उसी के साथ सोना ने अपनी आंखों के सामने हाथ रख लिया। उसी के साथ एक लंबी काली परछाई उसके ऊपर पड़ी। सोना ने अपनी आंखों के सामने से हाथ हटाया और सामने देखने लगी। अपने सामने अंश को देखकर सोना जैसे सांस लेना भूल गई।
अंश एकटक सोना की साड़ी में लिपटी शिवी को देख रहा था। उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा और आंसू नजर आ रहे थे। शिवी ने भी अंश की प्रेजेंस को फील किया और अपना सर ऊपर करके देखा। वो जैसे तैसे खड़ी हुई और अंश के पास आने लगी। भाई, अंश उसकी आवाज में दर्द साफ महसूस कर पा रहा था। वो सीधा आकर अंश के सीने से लग गई। अंश ने अपनी मुट्ठी बांध ली और बिना पलक झपकाए सोना को देखने लगा। उसने तेज आवाज में कहा, वीरा। उसकी आवाज सुनकर सोना चौंक गई। वीरा जल्दी से अंश के पास आकर अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया। अंश ने कहा, इसे ले जाओ। वीरा ने शिवी को इस हाल में देखा। शिवी बेहोश हो गई थी। वीरा ने उसे उठाया और ले गया। अब वहाँ पर सिर्फ सोना और अंश ही बचे थे। अंश की आंखें आग उगल रही थी, जो कि सोना को जलाने के लिए काफी थी। उसे अंश के पास से बहुत ही अजीब ऑरा फील हो रहा था, जो उसने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने डरते हुए कहा, मिस्टर रायजादा। अंश के कान में जैसे ही उसकी आवाज पड़ी, वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे अपने पास आते देख सोना के कदम अपने आप ही पीछे जाने लगे। जल्द ही सोना की पीठ ठंडी दीवार को छू गई और उसका शरीर कांप गया। वो बोली, मिस्टर रायजादा, हमारी बात। इससे पहले सोना अपनी बात पूरी कर पाती, अंश ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिससे सोना उसके सीने से टकरा गई। अंश ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने कहा था मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन शिवी को तकलीफ में नहीं देख सकता। लेकिन तुमने मेरी बहन को ऐसी तकलीफ पहुँचाई जिसके बारे में मैं कभी नहीं सोच सकता था। सोना को लगा जैसे अंश का हाथ उसके स्किन में धंसते जा रहा था। उसने कुछ कहने की कोशिश की। हमारी बात सुनिए, अंश तेज आवाज में बोला। शट अप, जस्ट शट अप, एक लफ्ज नहीं। उसके ऐसे चिल्लाने से सोना ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अंश ने उसकी पीठ की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसके कपड़े को पकड़ते हुए बोला, क्या सजा दूं तुम्हें बीवी। ये महसूस करते ही कि अंश उसके साथ क्या करने वाला था, उसने अपनी आंखें खोली और अंश को देखते हुए नहीं में सर हिलाने लगी। उसके मुंह से धीरे से कुछ शब्द बाहर आए, प्लीज मिस्टर रायजादा, डोंट डू दैट। अंश ने अपनी पकड़ उसकी कमर पर कस दी और उसे खुद के करीब कर लिया। वो उसके ब्लाउज की डोरी को पकड़कर खींचते हुए बोला, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने बीवी, तुम्हें इस गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। सोना ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अंश के हर एक एक्शन से पैनिक अटैक आना शुरू हो गया था। उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे और उसकी सांसें तेज हो गई। अंश को जरा भी एहसास नहीं था कि कुछ वक्त पहले शिवी को जितनी चोट पहुंची थी, उसे कहीं ज्यादा चोट वो सोना को देने के बारे में सोचने लगा था। उसने सोना के जबड़े को पकड़ा और गुस्से से बोला, यू विल सी माई वर्स्ट साइड एवरी डे बीवी, आई विल मेक योर लाइफ वर्स देन हेल। सोना अपनी धुंधली आंखों से डिसबिलीफ में अंश को देख रही थी। उसके कानों में अंश की आवाज सुनाई तो दे रही थी, लेकिन वो कुछ भी समझने में नाकामयाब थी। जल्द ही उसकी आंखें बंद हो गई और वो अंश के सीने से जा लगी। अंश अपनी गहरी आंखों से दीवार को घूरने लगा। इधर वीरा शिवी को लेकर हवेली आ गया। उसने आते वक्त ही डॉक्टर को आने के लिए कह दिया था, इसलिए उसके पहुंचने से पहले ही डॉक्टर हवेली में आ चुकी थी। वीरा ने शिवी को बेड पर लेटाया और कमरे से बाहर चला गया। डॉक्टर उसको एग्जामिन करने लगी। वीरा ने शिवा को भी जल्दी से घर आने के लिए कह दिया। डॉक्टर शिवी को एग्जामिन करके बाहर आई। तब तक घर के सभी लोग वहां मौजूद थे। वीरा ने किसी को भी कुछ नहीं बताया था। नीलिमा ने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ है मेरी बच्ची को, वो ठीक है ना डॉक्टर? डॉक्टर ने अपना सर झुका लिया और कहा, बहुत सारे लोगों ने इसके साथ गलत किया है, वो भी कई बार। सब ने ये सुना और सबका दिल बैठ गया। दीप लड़खड़ाते हुए सोफे पर बैठ गया। उसने लड़खड़ाती जुबान में कहा, ये नहीं हो सकता, मेरी शिवी के साथ ये। शौर्य उसके पास आया और उसे संभालते हुए बोला, दीप संभाल खुद को। दीप ने सबको साइड किया और कमरे के अंदर भागा, जहां पर शिवी बेजान सी लेटी हुई थी। उसने उसके शरीर पर बने निशान देखे और वो जमीन पर बैठ गया। ये निशान गवाह थे कि उसने कितना कुछ सहा था। दीप ने अपने आंसू साफ किए और कमरे से बाहर आकर वीरा से बोला, ढूंढो उन्हें, मैं उन्हें अपने हाथों से सजा दूंगा। वीरा वहां से चला गया। तभी शिवी चीखते हुए नींद से जागी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। पीहू और नीलिमा भागकर अंदर गए और शिवी को शांत करने की कोशिश करने लगे। नीलिमा ने उसे गले से लगा लिया और कहा, शिवी मेरा बच्चा, शांत हो जाओ, सब ठीक है। शिवी कुछ ही देर में दवाई के असर से दोबारा सो गई। पीहू और नीलिमा उसे सुलाकर बाहर आ गई।
नीलिमा शिवा के गले से लग गई और बोली, ये क्या हो गया शिवा, हमारी बच्ची के साथ ये क्या हो गया। शक्ति सिंह अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा उन सबको शिवी के लिए परेशान होते देख रहा था। सम्राट भी, जो कभी भी घर के मामले में ध्यान नहीं देता था, वो भी शिवी को इस तरह देखकर एक पल के लिए सोच में पड़ गया था। रिहान ने कहा, एक मिनट, भैया और भाभी कहाँ हैं? फार्म हाउस। अंश सोना को लेकर फार्म हाउस आ गया। फार्म हाउस में काम करने वाले सभी लोगों को पता चल गया था कि अंश वापस आ गया था। सोना को अंश की बाहों में इस हाल में देखकर सब एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन किसी ने भी एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। अंश सोना को लेकर सीधा कमरे में आया और उसे बेड पर लेटाया। वो वॉशरूम में गया और बकेट में ठंडा पानी भरकर बाहर आ गया। उसने उस बकेट का सारा ठंडा पानी सोना के ऊपर डाल दिया, जिससे सोना हड़बड़ा कर उठकर बैठ गई। उसने अपने चेहरे से पानी साफ किया और अपने सामने खड़े उस राक्षस को देखने लगी, जो अपने हाथ में बकेट लेकर उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। उसने खुद को छिपाने के लिए अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रखे और अंश को प्लीडिंग आईज के साथ देखने लगी। अंश ने बकेट को साइड में फेंका और अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए सोना के पास बेड पर आ गया। उसने सोना के हाथ पकड़े और उन्हें बेड पर दबाते हुए उसके ऊपर आ गया। वो उसकी आंखों में देखते हुए बिना किसी वार्निंग के उसे किस कर लिया। सोना उसके नीचे छटपटाने लगी। अंश बहुत अग्रेसिव होकर उसे किस कर रहा था। उसने सोना के हाथ छोड़े और उसके बचे हुए कपड़े को पकड़ लिया। उसने उसे ऐसे पकड़कर खींचा कि वो सोना के शरीर से अलग ही हो गए। सोना इस वक्त एक शेर के सामने मेमने की तरह थी, जो जल्द ही शिकार होने वाली थी। वो अंश की पकड़ से छूटने के लिए अंश को नाखून से खरोंच रही थी, जिससे तंग आकर अंश ने उसके हाथ को पकड़कर उसे उसके सर के पास दबाते हुए उसके गले पर बाइट कर लिया, जिससे सोना के मुंह से तेज चीख निकल गई और वो एकदम से शांत हो गई। अंश ने उसे शांत देखा तो रुक गया। उसने सोना के चेहरे को देखा, जो आंसू से भीग गया था। उसके आंसू देखकर अंश का दिल दर्द करने लगा। उसने उसके माथे से अपना माथा जोड़ लिया और आंखें बंद कर ली। वो अपनी तेज सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था वो जो कर रहा था वो गलत था, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों के सामने शिवी का वो चेहरा नजर आ रहा था, जिसे कुछ वक्त पहले उसने देखा था। उसकी आंख से आंसू की एक बूंद सोना के गाल पर गिरी और वो सोना से दूर हो गया। वो तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद करके कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद भी सोना एकटक बिना पल के झपकाए सीलिंग को देखती रही। कुछ देर बाद बेडशीट से खुद को कवर कर लिया और बेड के कोने में दुबक कर बैठ गई। अंश ने जो उसके साथ करने की कोशिश की थी, उसके बाद उसके जहन में सालों पुरानी एक याद ताजा हो गई। अब कैसे संभालेगी शिवी अपने आप को इस हादसे के बाद? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हवेली। अंश शिवी के कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी बहन के बेजान शरीर को देख रहा था। वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था शिवी ने उतनी देर तक ना जाने क्या क्या सहा होगा। अंश बैंगलोर के लिए निकल गया था, लेकिन रास्ते में उसे पता चला कि वो जिस मीटिंग को अटेंड करने जा रहा था वो कैंसिल हो गई। इसलिए वो सोना के ड्रामे को देखने के लिए दीप के घर की तरफ जा रहा था, लेकिन उसे सोना और शिवी के मिसिंग होने की बात पता चली और वो उनके पास पहुंच गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपना हाथ दरवाजे पर मारा और अपने मन में कहा, मैंने ये होने कैसे दिया, मुझे इन पर नजर रखनी चाहिए थी। उसकी आंखों में गुस्सा और सब कुछ बर्बाद करने की चाह थी। वो सोच ही रहा था कि तभी पीछे से शक्ति सिंह ने कहा, उनका पता चल गया है, ये सब हमारे दुश्मन उस रंजन कुमार और उसके लोगों का काम है। अंश ने ये सुना और उसकी आंखें गहरी हो गईं। रंजन का नाम सुनकर दीप का भी खून खौलने लगा। उसने गुस्से से कहा, मैं उस रंजन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अपने हाथों से सजा दूंगा उन बेरहम को। अंश ने वीरा से दांत पीसते हुए कहा, Bring them to my place। और वो जाने लगा तो नीलिमा ने कहा, सोना कहाँ है अंश, वो ठीक है ना? अंश के कान में जैसे ये शब्द पड़े, उसे सोना के साथ किया उसका बर्ताव याद आने लगा। उसने भी सोना के साथ वही करना चाहा जो शिवी के साथ हुआ था, लेकिन वो चाहकर भी उसके साथ बुरा नहीं कर पाया। उसने कठोरता से कहा, She is fine mom। और वो वहाँ से चला गया। सुबह 7 बजे सोना बेड पर दुबक कर सो रही थी, तभी छाया दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उसने सोना को इस तरह देखा तो उसे काफी दुख हुआ। वो उसके पास आकर उसके कंधे को छूते हुए बोली, मैम। सोना उसके छूने से चौंक कर जाग गई।
उसे लगा अंश है, इसलिए उसने ब्लैंकेट को कस कर पकड़ लिया और अपनी सहमी नजरों से सामने देखा। छाया को अपने सामने देखकर वो उसके गले से लग गई। उसने कहा, हम उसे बचा नहीं पाए, वो हमारी वजह से तकलीफ में है। और तभी एक बार फिर से दरवाजा तेज आवाज के साथ खुला। छाया और सोना ने उस तरफ देखा। सोना अंश को लंबे कदमों से अपनी तरफ आते देख कांप गई। अंश ने तेज आवाज में कहा, गेट आउट। सोना ने कसकर छाया का हाथ पकड़ लिया, लेकिन छाया ने अपना हाथ छुड़ाया और चली गई। सोना ने कहा, प्लीज डोंट गो। उसने ब्लैंकेट को कसकर पकड़ लिया और सहमी नजरों से अंश को देखने लगी। अंश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बेड से नीचे खड़ा किया। उसके ऐसा करने से सोना के मुंह से तेज चीख निकल पड़ी। अंश उसकी परवाह किए बिना उसे खींचते हुए वॉशरूम में ले आया। उसने उसे लाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया। इसी बीच जल्दबाजी में सोना के हाथ से ब्लैंकेट छूट गया, जिससे सोना की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। मिस्टर रायजादा, वो झट से अंश के सीने से लग गई। उसकी इस हरकत से अंश एक पल के लिए शॉक हो गया। तभी उसकी नजर अपने लेफ्ट साइड मिरर वॉल पर पड़ी, जिसमें दोनों की परछाई नजर आ रही थी। सोना की आंखें बंद थी और उसने अंश को टाइटली हक किया हुआ था। उसे आधे कपड़ों में इस तरह देखकर अंश ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसके कानों में सोना के बुदबुदाने की आवाज आई, प्लीज मिस्टर रायजादा, डोंट मूव, डोंट डू एनीथिंग टू मी, आई एम सॉरी। शावर का पानी उन दोनों के ऊपर गिर रहा था, जिससे दोनों भीग रहे थे। सोना ठंड में कांपते हुए बोली, हमने कोशिश की थी लेकिन हम शिवी को बचा नहीं पाए, आई एम सॉरी। अंश जो अब तक शांत था, उसने सोना की ये बात सुनी और उसकी आंखें फिर से गहरी हो गई। उसने सोना को खुद से दूर किया और उसे दीवार से लगाते हुए बोला, अपनी जुबान से उसका नाम भी मत लो, मेरी बहन तुम्हारी वजह से सफर कर रही है, तुम्हारे स्टूपिड प्लान की वजह से। कहते हुए उसने सोना के सर के पास दीवार पर एक मुक्का मारा। सोना अंश का गुस्सा देखकर फिर से घबरा गई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद की और सुबकने लगी। अंश ने उसके जबड़े को पकड़ा और कहा, स्टॉप योर मेलोड्रामा, उसने जो सहा है उसके आगे मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सजा से बच गई, तुम्हें सजा मिलेगी। कहने के बाद उसने सोना को छोड़ दिया और वॉशरूम से जाते हुए बोला, जल्दी बाहर आओ। सोना दीवार से फिसलते हुए शावर के नीचे बैठ गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और शिवी की हालत को याद करते हुए रोने लगी। उसने कहा, क्यों महादेव, ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है, जब भी हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तब हमारे साथ ही बुरा होता है, हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने हमारी किस्मत में इतनी तकलीफ लिखी है। कुछ देर बाद सोना वॉशरूम से बाथरूम में बाहर आई। उसने अंश को देखा जो सोफे पर बैठा टीवी को घूर रहा था। सोना ने अपना सर नीचे कर लिया और अपने कांपते पैरों को घसीटते हुए कबर्ड तक आई। उसने कपड़े निकाले और दोबारा वॉशरूम में जाने के लिए मुड़ी। तभी उसके कान में टीवी पर चल रही न्यूज की आवाज सुनाई दी। उसमें एक न्यूज एंकर कह रही थी, आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के जाने माने व्यापारी रंजन कुमार की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी। खूनी ने पहले उसके प्राइवेट पार्ट को काटा, उसके बाद उसके शरीर में कई बार चाकू से वार किया। जब उससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने उसके हाथ पैर तोड़कर सड़क पर बिना कपड़ों के फेंक दिया। इसी तरह चार और लोगों की लाश शहर के अलग अलग कोने में मिली है। पुलिस को शक है ये सभी हत्याएं किसी एक ही इंसान द्वारा की गई हैं। सोना इस न्यूज को सुनकर अंश के पास आकर खड़ी हो गई। टीवी पर उन लाशों की फोटो के साथ नाम दिखाया जा रहा था, जिसे देखकर सोना की आंखें फैल गई। उसने हैरानी से अंश को देखा। ये पांचों वही लोग थे जिसने शिवी के साथ इतना बुरा किया था। उसे देखते हुए सोना की आंखों में आंसू आ गए। अंश सोफे से खड़ा हुआ और सोना को देखते हुए बोला, गेट रेडी क्विकली। सोना ने हाँ में सर हिलाया और चली गई। अंश का फोन बजने लगा। अंश ने देखा घर से फोन है। उसने जल्दी से उसे रिसीव कर लिया। सामने से नीलिमा ने कुछ कहा, जिसे सुनकर अंश का गुस्सा आपे से बाहर हो गया। उसने फोन काटा और गुस्से से सोना के पास आया। सोना की पीठ उसकी तरफ थी और वो अपनी साड़ी की प्लेट बना रही थी। अंश ने उसकी बाह को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसे दीवार से लगाते हुए बोला, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सोना को समझ नहीं आया वो किस बारे में बात कर रहा था। उसने कंफ्यूज होकर अंश को देखा। अंश ने आखिरी बार उसे गुस्से से घूरा और कमरे से बाहर चला गया। एक घंटे बाद अंश हवेली पहुंचा। घर के सभी लोग शिवी के कमरे के बाहर भीड़ लगाकर खड़े थे। अंश को देखकर सब एक तरफ हो गए। अंश कमरे में आया और सामने का नजारा देखकर हैरान हो गया। दीप शिवी को अपनी गोद में लेकर बेड पर बैठा था और डॉक्टर शिवी के हाथ में पट्टी बांध रही थी।
फर्श पर खून फैला हुआ था। अंश उसे देखते हुए उनके पास आ गया। उसने शिवी का हाथ पकड़ा और कहा, ये कैसे हुआ? दीप ने रोते हुए कहा, पता नहीं इसे होश कब आया। मैं जब कमरे में आया तो देखा इसने अपना हाथ काट लिया था। वो अंश से लिपट गया। घर में सब परेशान थे। अंश ने सबको वहाँ से जाने के लिए कहा और खुद शिवी के पास बैठ गया। उसने शिवी के हाथों को देखा जहाँ पर खरोंच के ताजे निशान थे। उसने उसका हाथ सॉफ्टली पकड़ा और अंगूठे से उसे सहलाने लगा। उसे याद था जब शिवी पहली बार इस घर में आई थी, जब उसने उसे पहली बार भाई कहा था। उसने कहा, मैंने तुम्हारे गुनहगारों को सजा दे दी है शिवी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। अंश की आंखों में नमी ने जगह बना ली। तभी शक्ति सिंह कमरे में आया। उसने अंश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अंश मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंश ने अपने आंखों के कोने से आंसू साफ किया और हां में सर हिलाया। उसने शिवी के हाथ को आराम से बेड पर रखा और खड़ा होकर बाहर चला गया। शक्ति सिंह ने शिवी को एक नजर देखा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई, जिसे उसने जल्दी से छुपा लिया। शक्ति सिंह अंश के पीछे कमरे से बाहर आया। वे दोनों सोफे पर बैठ गए। फार्म हाउस में सोना भी शिवी को लेकर परेशान थी। उसने छाया से कहा कि उसे हवेली जाना है, तो उसने उसे वहाँ से जाने से मना कर दिया, ये कहकर कि अगर वो वहाँ से बाहर गई तो अंश उनकी जान ले लेगा। इसी तरह शाम हो गई। शिवी एक बार फिर से चिल्लाते हुए जागी, लेकिन इस बार अपने सामने अंश को देखकर वो उसके गले से लग गई। भाई वो रोने लगी। अंश ने उसकी पीठ को सहलाया और उसे शांत करवाते हुए बोला, हाँ मैं तुम्हारा भाई, सब ठीक है शिवी, तुम शांत हो जाओ। ये सुनकर शिवी और ज्यादा रोने लगी। अंश ने तेज आवाज में कहा, अगर रोना बंद नहीं किया तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। शिवी ये सुनकर भी रोने लगी। अंश की आंखें सॉफ्ट हो गई। उसने उसकी पीठ को सहलाया और शिवी कुछ देर बाद शांत हो गई। अंश ने कहा, भूल जाओ सब कुछ, उन सबको मैंने उनके किए की सजा दे दी। ये सुनकर शिवी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अंश ने आगे कहा, और खबरदार जो तुमने अपने साथ फिर से इस तरह की हरकत करने की कोशिश की, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है शिवी। शिवी ने हाँ में सर हिलाया। कुछ देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे अपने सामने दीप दिखाई दिया। दीप उसे बहुत प्यार से देख रहा था। शिवी अंश से अलग हुई और अंश को देखते हुए बोली, भाई भाभी वो कहाँ है? अंश ने ये सुना और बिना किसी भाव के कहा, वो फार्म हाउस पर है। शिवी ने अंश का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे भाभी से मिलना है। अंश ने कहा, नहीं अब वो यहाँ दोबारा नहीं आएगी। शिवी और दीप ये सुनकर हैरान हो गए। शिवी ने कहा, लेकिन क्यों भाई, मुझे उनसे मिलना है। अंश ने तेज आवाज में कहा, शट अप शिवी, मैंने कहा ना वो नहीं आएगी। शिवी उसके अचानक से कहने से चौंक गई। अंश ने उसे डरते देखा तो सॉफ्टली कहा, तुम जिद मत करो, वो बस यहाँ नहीं आएगी, मैं उसे तुम्हारे आसपास भी नहीं देखना चाहता। तब तक नीलिमा शिवी के लिए खाना लेकर आई और अंश को दे दिया। अंश ने रोटी का टुकड़ा शिवी के मुंह के सामने करते हुए कहा, खाओ इसे। शिवी ने नहीं में सर हिलाया। अंश उसे डराते हुए बोला, शिवी। शिवी ने चुपचाप खाना खा लिया। कुछ देर बाद उसने शिवी को दवाई दी और शिवी दोबारा सो गई। उसके सोने के बाद अंश कमरे से बाहर आया और अपने कमरे में चला गया। कमरे में आते ही उसे एक जानी पहचानी खुशबू का एहसास हुआ और उसके कदम रुक गए। उसने अपने ख्यालों को झटका और स्टडी रूम में चला गया। क्या सच में अंश सोना को खुद से दूर कर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दर्द भी दवा भी। शाम का वक्त, फार्म हाउस। सुबह जिस तरह अंश ने सोना के साथ बिहेव किया था और कल उसकी आंखों के सामने जो शिवी के साथ हुआ था, उससे वो बहुत डिस्टर्ब थी। वो शिवी की चिंता में मरी जा रही थी, लेकिन किसी ने भी उसे शिवी के बारे में कुछ नहीं बताया। इसी तरह शाम हो गई और सोना कमरे में बेड पर बैठी थी। तभी छाया उसके लिए चाय और कुछ खाने के लिए लेकर आई। सोना ने उसे देखा और कहा, हमने कहा था ना हमें कुछ नहीं खाना। छाया ने कहा, बट मैम आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, प्लीज कुछ खा लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी पीछे से किसी ने अपनी भारी आवाज में कहा, जब वो कह रही है उसे नहीं खाना तो तुम उसे फोर्स क्यों कर रही हो। छाया और सोना ने उस तरफ देखा और अंश को अपने सामने देखकर छाया सीधा खड़ी हो गई। उसने अपना सर झुका लिया और कहा, आई एम सॉरी सर बट मैम। छाया अंश को बताना चाहती थी कि सोना ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था,
लेकिन अंश ने बीच में कहा, लीव। छाया ने हाँ में सर हिलाया और सोना को देखते हुए वहां से चली गई। सोना अंश को देखने लगी। वो उससे पूछना चाहती थी कि शिवी की हालत अब कैसी थी, लेकिन अंश का इंटिमिडेटिंग ऑरा उसे कुछ भी कहने की इजाजत नहीं दे रहा था। अंश अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए वॉशरूम में जाते हुए बोला, मुझे मेरा डिनर 10 मिनट में तैयार चाहिए, और उसने तेज आवाज के साथ वॉशरूम का दरवाजा बंद किया। सोना कुछ पल उस बंद दरवाजे को देखती रही, फिर सीधा कमरे से बाहर भाग गई। 10 मिनट बाद सोना ने शेफ की हेल्प से अंश के लिए डिनर बना लिया था। वो जल्दी जल्दी सूप बाउल में डाल रही थी, तभी पीछे से किसी ने उसकी कमर में अपने हाथ लपेट लिए और उसके साथ ही सोना के हाथ से सूप का चम्मच छूट कर नीचे गिर गया। सोना जानती थी वो कौन हो सकता था। वैसे भी उस राक्षस के रहते उस घर में उसके साथ कौन ही ऐसा कर सकता था। अंश ने सोना को कस कर पकड़ रखा था और उसकी गर्म सांसें सोना की गर्दन को छू रही थी, पर सोना को इस बार उसके छूने से हर बार से अलग महसूस हो रहा था। सोना ने डरते हुए कहा, जी हमने बस डिनर तैयार कर ही दिया है, आप चलिए हम लेकर आते हैं। कहते हुए उसकी आवाज उसके गले में अटकने लगी, क्योंकि अंश ने उसके सामने काउंटर पर रखे शार्प नाइफ को उठाकर उसकी नोक को अपनी उंगली से छूने लगा था। उसे देखते हुए सोना की सांसें तेज हो गई। अंश ने एक हाथ से सोना का हाथ पकड़ा और उसे काउंटर पर रखते हुए बोला, What would happen if this knife passed through your pretty hand? ये सुनकर सोना की आंखें बस बाहर ही आने को थी। वो अपना हाथ पीछे खींचने लगी, लेकिन अंश ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ रखा था। सोना स्ट्रगल करते हुए बोली, नहीं मिस्टर रायजादा, प्लीज नो। अंश ने चाकू को कस कर पकड़ा और सोना के हाथ की उंगलियों के बीच वाली जगह पर मारने लगा। उसने अपने हाथ पर होने वाले दर्द की कल्पना करते हुए टाइटली अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अंश ने कहा, लेट्स सी हाउ लॉन्ग योर लक स्टेज विद यू। ये कहते हुए लगातार वो स्टेप किए जा रहा था और डर की वजह से सोना की जान ही निकलती जा रही थी। लगभग 2 मिनट बाद सोना के मुंह से एक तेज चीख निकल पड़ी और अंश ने उसका हाथ छोड़ दिया। सोना अपना हाथ पकड़कर जोर से चिल्लाई, आह! उसकी चौथी उंगली पर कट लग गया था, जिससे खून बहने लगा था। अंश ने सोना की कमर मजबूती से पकड़ी और उसके कान में बोला, दर्द हुआ ना? सोचो शिवी को कितना दर्द हुआ होगा जब उसने आज सुबह अपना हाथ काट लिया था। ये सुनकर सोना शॉक हो गई। उसने हकलाते हुए पूछा, ओह, वो ठीक है ना? अंश ने उसे अपनी तरफ पलटा और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, ओ कम ऑन बीवी, उसकी फिक्र करने का नाटक बंद करो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर उसने सोना को धक्का दे दिया। सोना ने सहारे के लिए अपने पीछे काउंटर को पकड़ लिया, लेकिन गलती से उसका हाथ बोल के गर्म सूप पर लगा, जिससे वो सूप उसके हाथ पर गिरा और वो दर्द में चिल्लाई। अंश जो जाने के लिए मुड़ा था वो उसके चिल्लाने से रुक कर उसे देखने लगा। सोना रोते हुए अपना कांपता हुआ हाथ पकड़कर उस पर फूंक मार रही थी। ये देखकर अंश जल्दी से उसके पास आया और उसके हाथ को पकड़कर उसे सिंह के पास ले आया। उसने तेज आवाज में कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? हाँ, सोना ने ये सुना और हैरानी से उसे देखने लगी। अंश ने टैब ऑन किया और ठंडे पानी के नीचे सोना का हाथ रख दिया, जिससे सोना को जल्द ही जलन से राहत मिली। सोना अभी भी अंश को देख रही थी। अंश ने उसे खुद को देखता पाया तो उसे एहसास हुआ वो उसकी केयर कर रहा था। उसने कहा, घूर क्यों रही हो मुझे? क्या तुम भूल गई मैंने तुमसे उस रात क्या कहा था? सोना उसे अपनी नम आंखों से देखने लगी। अंश ने उसके हाथ को पकड़कर अपने पास खींचा, जिससे सोना उसके सीने से टकरा गई। अंश ने उसे मजबूती से पकड़ा और उसके गाल को सहलाते हुए बोला, लेट मी रिमाइंड यू बीवी, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें चोट पहुंचाने और दर्द देने का हक सिर्फ मेरा है। अगर इसके अलावा तुमने खुद को चोट पहुंचाने की सोची भी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कुछ याद आया? कहते हुए उसने सोना का चोट वाला हाथ पकड़ लिया, जिससे सोना ने दर्द की वजह से कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो समझ चुकी थी कि अंश उस पर सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रहा है और उसे उसके गुस्से से बहुत डर लग रहा था। अंश ने सोना का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बाहर ले आया। उसने मेट को आवाज दी, ब्रिंग द फर्स्ट एड बॉक्स फास्ट।
वो सोफे पर बैठ गया और सोना को अपनी गोद में बिठा लिया। एक मेड ने अंश को जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाकर दिया। अंश ने उसमें से जलन कम करने वाला ऑइंटमेंट निकाला और सोना के हाथ पर उसे सॉफ्टली अप्लाई करने लगा। उसने देखा सोना का हाथ बुरी तरह से लाल था। सोना उसे वो सब करते चुपचाप देखने लगी। कुछ मिनट बाद उसे अपने हाथ की जलन से राहत मिली। अंश ने ऑइंटमेंट साइड में रखा और सोना का दूसरा हाथ पकड़ लिया जिसमें उसने कुछ देर पहले कट दिया था। उसने उसे कॉटन से साफ किया और उसमें दवाई लगाकर बैंडेज लगा दिया। वो सब करते वक्त उसकी आंखें सिर्फ सोना के हाथ पर थी, जिसकी वजह से सोना उसके चेहरे पर आ जा रहे भाव को देख नहीं पा रही थी। सब कुछ होने के बाद वो सोना को अपनी गोद में उठाकर कमरे की तरफ बढ़ गया। सीढ़ी से ऊपर जाते हुए उसने मेड से कहा, खाना कमरे में ले आओ। हवेली। शिवी कमरे में चुपचाप बैठी थी। रेहान और पीहू उसके पास बैठकर उसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शिवी की आंखें बस दरवाजे पर खड़े दीप पर टिकी थी। वो दीप को अपनी खाली आंखों से देख रही थी, जैसे वो दीप से कह रही हो कि उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। दीप भी उसके अंदर चल रही उथल पुथल को अच्छे से समझ रहा था। वो शिवी के पास आया और उसके पास बैठते हुए बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? शिवी ने कुछ नहीं कहा। दीप अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाकर मुस्कुराते हुए बोला, प्रिंसेस तुम? दीप उसके चेहरे को छू पाता उससे पहले शिवी पीछे हट गई। उसने हकलाते हुए कहा, डोंट टच मी दीप, आई एम कम्प्लीटली डर्टी नाउ। दीप ने ये सुना और उसके दिल में चुभन सी हुई। उसने शिवी को गले से लगा लिया और कहा, किसने कहा तुम मैली हो गई हो? तुम्हें ऐसा सोचने का हक किसने दिया? तुम आज भी मेरी वही शिवी हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। खबरदार जो तुमने ऐसा दोबारा कहा। शिवी उससे दूर हटने के लिए छटपटाने लगी, लेकिन दीप ने उसे नहीं छोड़ा। थक हार कर शिवी उसके गले से लगकर ही रोने लगी। उन्हें देखकर पीहू भी रिहान के गले लगकर रोने लगी और रिहान उसे कम्फर्ट कराने लगा। शक्ति सिंह बाहर से उन सबको कठोरता से देख रहे थे। उसने अपने मन में कहा, ये लड़की। तभी शिवा और राजन सिंह अपनी छड़ी से टक टक की आवाज करते हुए उसके पास आकर खड़े हो गए। शिवी को इस तरह देखकर राजन ने उदास होते हुए कहा, पता नहीं हमारी बच्ची को किसकी नजर लग गई। सालों पहले भी जब हम उसे इस घर में लेकर आए थे तब भी वो इसी हाल में थी। बहुत मुश्किल से हमने उसे संभाला था। शक्ति सिंह ने ये सुना और अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने राजन सिंह को कंधों से पकड़ा और उसे उसके कमरे तक ले जाते हुए बोला, बाबा वो ठीक हो जाएगी, आप चलिए, आपको आराम करना चाहिए। ये कहकर वो उसे ले गया। फार्म हाउस। मेड अंश और सोना का खाना उनके कमरे में लेकर आ गई। अंश और सोना सोफे पर बैठे थे। मेड ने खाना टेबल पर रखा और चली गई। अंश ने चम्मच से दाल राइस लिया और सोना के मुंह के सामने कर दिया। सोना ने जब कोई रिस्पांस नहीं दिया तो उसने उसका जबड़ा पकड़ा और मुंह खोलते हुए खाना उसके मुंह में डाल दिया। उसके अचानक से ऐसे करने से सोना के गले में उसका खाना अटक गया और वो खांसने लगी। पानी। सोना ने पानी के ग्लास को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उससे पहले अंश ने उसे पकड़ लिया। उसने ग्लास का सारा पानी पीकर खाली ग्लास टेबल पर रखा। सोना उठकर जाने को हुई तो अंश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस बैठा दिया। सोना तेज तेज खांसने लगी। अंश ने कहा, क्या हुआ? अभी तो और बाकी है, तुम्हें तो ये पूरा खाना खत्म करना है बीवी। ये कहकर उसने फिर से सोना के मुंह में खाना डाल दिया। इस बार खाना सोना के मुंह को जलाने लगा क्योंकि अंश ने उसे तीखा जो खिला दिया था। सोना अपने मुंह के सामने हाथ हिलाते हुए बोली, पानी, ये बहुत तीखा है। सोना से जब रहा नहीं गया तो उसने अपना हाथ छुड़ाया और वॉशरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन अंश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। अंश ने कहा, तुम्हें तो तीखा बहुत पसंद है ना, तो फिर अब क्या हुआ? सोना ने रोते हुए कहा, प्लीज अंश, हमारा मुंह बहुत जल रहा है, हमें पानी चाहिए, ये बहुत ज्यादा तीखा है। अंश उसके मुंह से अपना नाम सुनकर बोला, क्या कहा, फिर से कहो। सोना उठते हुए बोली, प्लीज हमें पानी चाहिए। अंश उसे मजबूती से पकड़ते हुए बोला, नहीं उससे पहले। सोना तेज सांसें लेते हुए बोली, हमारा मुंह बहुत जल रहा है, प्लीज हमें पानी चाहिए। अंश ने कहा,
तुमने मुझे क्या कहकर बुलाया? सोना परेशान होकर चिल्लाते हुए बोली, अंश आप पागल हो गए हैं, हमने कहा हमें जाने। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई क्योंकि अंश ने उसके सर को पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे आगे बोलने से रोक दिया। उसके इस एक्शन से सोना हैरान हो गई, लेकिन जल्द ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अंश के कंधों को कसकर पकड़ लिया। अंश उसे स्मूथली किस करने लगा, जैसे वो उसकी तकलीफ को खत्म कर रहा हो। कुछ देर बाद जब सोना को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो अंश ने उसे छोड़ दिया। सोना ने अपनी आंखें नीची कर ली और अपनी तेज सांसों को काबू करने की कोशिश करने लगी। अंश ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बेड पर आ गया। उसने सोना को बेड पर लिटाया और उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर उसके पास लेट गया। उसने कहा, सो जाओ। सोना उसके चेहरे को देख रही थी। अंश ने अपने हाथ से उसकी आंखों को बंद किया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, गुड नाइट बीवी। आखिर क्यों ऐसा बिहेव कर रहा था अंश सोना के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्ड्स वाइफ सिर्फ पॉकेट एफएम पर।